बात करेंगे पिछोर की, जहां पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री केपी सिंह टक्काजू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर आज कांग्रेस की पदाधिकारी महिलाओं ने हजारों महिलाओं के साथ जाकर थाने में एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महिलाओं का कहना है कि हमारे विधायक केपी सिंह के ऊपर जो बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए हैं और वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया है, जिससे हमारे विधायक की छवि धूमिल हो रही है। हम सभी महिलाएं चाहती हैं कि वीडियो की जांच की जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारे विधायक के खिलाफ यह षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष ऊषा लोधी ने कहा कि हमारे विधायक 30 सालों से पिछोर विधानसभा की सेवा कर रहे हैं और वो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। कुछ लोग मिलकर हमारे नेता की छवि धूमिल कर रहे हैं। हमारे विधायक जी पे जो झूठा आरोप लगाया गया है विपक्ष ने कि विधायक जी ऐसे हैं, पर हमारे विधायक जी 30 साल से विधायक है, कोई नए तो है नहीं है। इतने सालों से तो उन्होंने किसी भी महिला की बेइज्जती नहीं की, अब बेइज्जती की बताइए। ये सब झूठे आरोप है, वीडियो की जांच की जाए। तो मामला ये है कि हमारे सम्माननीय विधायक जी की छवि को लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सम्मान में पूरे क्षेत्र की महिलाएं आज मैदान में आई हैं। पिछले 30 साल से चाहे मीडिया देख ले, चाहे सरकार देख ले, भले 20 साल से सरकार नहीं है, लेकिन माननीय टक्काजी साहब के सानिध्य में महिलाओं को हमेशा उन्होंने बढ़ाया, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो। आज भी उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में 4 जो नगर पालिका और जनपद अध्यक्ष है वो महिलाएं हैं। साथी मेरे साथ लेकर लोगों को छाने पर आई, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनका ये कहना है कि वर्तमान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वर्तमान विधायक के किसी भी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तारतम्य में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि आप उस वीडियो की और उन लोगों की जाँच करें और उन पर वैधानिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव।